पौराणिक कथाओं के अंतर्गत महाभारत की कथा पांडवों की तीर्थ यात्रा भाग 11। लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहां पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहां आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थ यात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य लोमश ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वे लोग नैमिषारण्य कन्या तीर्थ अश्वतीर्थ गौ तीर्थ आदि में दर्शन स्नानादि करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम आ पहुंचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, ये अगस्त मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपा मुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त मुनि यहाँ घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निसंतान होने के कारण हमें ये नरक कुंड मिला है, इसीलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगण की बात से दुखी होकर अगस्त एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपा मुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त मुनि ने लोपा मुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने पास आने के लिए कहा तो लोपा मुद्रा बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप धन की व्यवस्था करके मेरे और स्वयं के लिए सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुवर्ता प्रधनश्व तथा इश्वाकुवंशी त्रसयु के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं ने क्षमा प्रार्थना करते हुए अगस्त मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दी। निराश होकर अगस्त मुनि इलवल नामक दैत्य के पास पहुंचे। इलवल दैत्य ने प्रसन्नता के साथ उन्हें मुंह मांगा धन प्रदान कर दिया। धन प्राप्त करके अगस्त मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति की और दृढ़सु नामक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में ये तीर्थस्थान अगस्ताश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थस्थान में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए है युधिष्ठिर, यहाँ स्नान करके आप दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहाँ स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मराज दशरथ नंदन श्री राम जब शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता भाइयों बारातिगण आदि के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आई जिससे वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भृगुकुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी, तेजस्वी मुख पर बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई थी, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी, कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषि ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया है और उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूँ, ये धनुष साधारण नहीं है, जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा।
परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनित स्वर में बोले, भगवन आप वेदविद स्वाध्यायी ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं, इसलिए हे ऋषिराज आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। किंतु परशुराम जी ने दशरथ की अनुनय विनय पर कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल दो ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है, इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृंगवशी ऋषिक मुनि को धरोहर के रूप में वो धनुष दिया है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद युद्ध करो। परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव मैं ब्राह्मण समझकर आपके सामने विशेष बोल नहीं रहा हूं, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। यह कहकर उन्होंने झपटते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे मृगनंदन ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य है, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता, परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता, इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है, इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूं। श्री राम की ये बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। अतः हे राम कृपा करके मेरी गगन शक्ति को नष्ट मत करो, मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। चूंकि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता इसलिए आप उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है उससे मुझे विश्वास हो गया कि आप मधु राक्षस का वध करने वाले साक्षात विष्णु है। परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार करके राम ने बाण छोड़कर उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित किए गए समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया और इससे परशुराम जी निस्तेज हो गए। फिर परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत महाभारत की कथा। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। आरजे प्रभाकर मोरे के साथ महाभारत की कथा।